beginning with the same sound. Then next is question number 7. Next is question number 7. And in a question number 7, question is read the sentences carefully. Sorry, read the sentences and write them under the correct pictures. Okay, read the sentences and write them under the correct pictures. At first हमें इन sentences को carefully read करना है, then after नीचे some pictures दी है, हमें उन pictures को देखकर वहाँ पर क्या write करना है, उन pictures के लिए correct sentence जो भी आएगा वो write करना है, okay? तो ये जो sentence दिए है, ये क्या है? Animals के house, animals के house के लिए sentence दिए है, like this, first, a dog lives in a kennel. मीन्स जो डॉग है वो कहाँ रहता है? कैनल में रहता है. ओके तो ऐसे ही नीचे सम पिक्चर्स दी है एनिमल्स एंड देयर हाउसेस. ओके एनिमल्स एंड उनके हाउस की पिक्चर दी है, तो हमें उन एनिमल को एंड उनके हाउस को आइडेंटिफाई करके इन सेंटेंस को राइट करना है. ओके तो लाइक दिस एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, इन ऑल सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं. ओके देन आफ्टर हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटेंस फिलअप करेंगे. ओके बेटा तो आपको ये बहुत ही केयरफुली देखना है और सुनना है एंड समझना है, बिकॉज एनिमल्स के हाउस जो है, एनिमल्स हाउस, एनिमल्स बेबीज, इन्हें मैच करने या फिर इनके बारे में राइट करने आपको जनरली आता ही, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो या फिर ट्रू और फॉल्स में हो. ओके तो एट फर्स्ट हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे. फर्स्ट इज अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. अ शीप लिव्स इन अ पेन. अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. स्टेबल. अ हैन लिव्स इन अ कूप. अ रैबिट लिव्स इन अ बरो. अ बी lives in a hive. A lion lives in a den. A cow lives in a shed. A goat lives in a pen. A pig lives in a sty. A bird lives in a nest. A rat lives in a hole. A spider lives in a web. An ant lives in an anthill. ओके मीन्स यहाँ पर जो है सम एनिमल्स एंड देयर हाउस, देयर होम्स, इनके सेंटेंस राइट किए हैं. हमने इन ऑल सेंटेंसेस को केयरफुली रीड कर लिया है, देन आफ्टर हम नीचे जो पिक्चर्स दी है इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उन एनिमल्स के होम्स राइट करेंगे. ओके लाइक दिस सी द फर्स्ट पिक्चर केयरफुली. आप इस फर्स्ट पिक्चर को केयरफुली देखिए, इसमें जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है? विच एनिमल? हॉर्स. राइट तो इसमें सेंटेंस क्या आएगा? अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल. अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल मीन्स जो हॉर्स है वो कहाँ रहता है? अस्टबल में रहता है. ओके मीन्स हाउस के रहने का जो प्लेस होता है या उसके लिए जो रूम बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? अस्टबल. ओके देन इन अ सेकेंड पिक्चर डॉग. सेकेंड पिक्चर में क्या दिख रहा है? डॉग. तो अ डॉग लिव्स इन अ कैनल मीन्स जैसे ये लाइक अ हर्ट शेप में जो स्मॉल हाउस बना होता है वो होता है कैनल, है ना. जैसे जो पीपल्स अपने होम में क्या करते हैं, डॉग को डोमेस्ट करते हैं, डॉग पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके रहने के लिए उसका होम भी बनाते हैं, है ना. तो जो वो उसका होम होता है, उसका रहने का प्लेस होता है, उसे बोला जाता है कैनल. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. ओके देन नेक्स्ट है ये रैट, माउस, है ना. आर ई टी रैट मीन्स चूहा, माउस भी बोलते हैं जिसे. तो ये माउस, माउस कहाँ रहता है? अ रैट लिव्स इन अ होल.
कहाँ रहता है? होल में, मीन्स गड्ढे में। आपने जनरली माउस को देखा होगा, होम में भी होते हैं काफ़ी सारे, जो पीपल्स होते हैं उनके होम में भी माउस होते हैं, और ऐसे ही भी जो ओपन प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी जो है माउस होते हैं। तो जो माउस कहाँ रहते हैं? हमेशा होल में रहते हैं, गड्ढे में रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट है गोट। क्या दिख रही है ऑल? गोट मीन्स बकरियाँ, बकरी है ना। तो अ गोट लिव्स इन अ पेन, अ गोट लिव्स इन अ पेन मीन्स जो गोट के रहने के लिए जैसे ही ऐसा स्पेस बनाया जाता है जिसमें क्या लगा दी जाती है, ऐसे बाउंड्रीज लगा दी जाती है, और जो सेंटर प्लेस होता है वो ओपन होता है ना, तो उसे बोला जाता है पेन। अ गोट लिव्स इन अ पेन। द नेक्स्ट ये है बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। तो अ बी लिव्स इन अ हाइव, अ बी लिव्स इन अ हाइव। जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, वो कहाँ रहती है? हाइव में, मीन्स जो ये होता है उनका छाता जिसे बोलते हैं मधुमक्खियों का, बीज का, ये उनका हाउस होता है। द नेक्स्ट बर्ड्स। तो अ बर्ड्स लिव्स इन अ नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। द नेक्स्ट काउ, जनरली जो है सभी के होम में ऑलमोस्ट काउ होती है, जो लोग उसे डोमेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे जो पीपल्स होते हैं वो काउ को डोमेस्ट करते हैं, पालते हैं अपने होम में। तो अ काउ लिव्स इन अ शेड मीन्स ऐसे क्या बना दिया जाता है उनके लिए, ऐसे जो बैम्बू होता है, बैम्बू के हेल्प से उनके लिए ऐसे शेड बना दिया जाता है, उनके रहने के लिए एक ऐसा स्पेस बना दिया जाता है ना। तो होता है अ काउ लिव्स इन अ शेड। तो जो काउ है वो कहाँ रहती है? शेड में रहती है। देन सी द पिक्चर केयरफुली, विच एनिमल? द लॉयन। ये कौन सा एनिमल है? लॉयन। एंड अ लॉयन लिव्स इन अ डेन, अ लॉयन लिव्स इन अ डेन। लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है, गुफा में रहता है, राइट? डेन मीन्स होता है गुफा। अ लॉयन लिव्स इन अ डेन। ओके, द नेक्स्ट एंट। ये जो दिख रही है क्या है? एंट। तो एन एंट, एंट के साथ एन क्यों लगा? बिकॉज जो एंट है उसका फर्स्ट लेटर ए है, एंड आर्टिकल के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल क्या होता है कि जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है उसके फ्रंट में ए एन एन आर्टिकल का यूज होता है। ओके, तो ये होगा एन एंट लिव्स इन एन एंथिल, मीन्स जो एंट है वो कहाँ रहती है? एंथिल में, मीन्स एंट जहाँ पर रहती है उसका जो होम होता है उसे बोला जाता है एंथिल। एंड नेक्स्ट इज शीप, ये है सीप। एंड अ सीप लिव्स इन अ पेन, अ शीप लिव्स इन अ पेन। जो सीप होती है वो कहाँ रहती है? पेन में रहती है ना। जैसे इनका भी प्लेस कैसा होता है? लाइक अ गोट, गोट के लिए जैसा स्पेस बनाया जाता है, मीन्स जो है फेंस बाउंड्री बनाई जाती है, और जो सेंटर स्पेस होता है वो ओपन होता है, तो ऐसे ही सीप का भी ऐसे ही होता है। ओके, द नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब। स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में रहती है। एंड द नेक्स्ट अ पिग लिव्स इन अ स्टाई, और पिग कहाँ रहता है? स्टाई में, एस टी वा स्टाई। एंड नेक्स्ट अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, जो रैबिट होता है वो कहाँ रहता है? बरो में रहता है, मीन्स बिल में रहता है, बरो मीन्स होता है बिल। एंड अ हैन लिव्स इन अ कूप, अ हैन लिव्स इन अ कूप। जो हैन होती है वो कहाँ रहती है? कूप में रहती है। ओके, मीन्स जनरली आपने पोल्ट्री फॉर्म्स देखे होंगे, काफ़ी सारे प्लेसेस पर पोल्ट्री फॉर्म्स बने होते हैं जहाँ पर किसे रखा जाता है? हैन को रखा जाता है ना, मीन्स जिसमें ऐसे नेट लगा दी जाती है और
अंदर में जो है उनको एक ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड करता है, किया जाता है जहाँ पर वो रह सके, ओपन प्लेस होता है, और फिर उनके लिए एक ऐसे स्मॉल सा रूम बनाया जाता है जिसमें कि वो इवनिंग में नाइट में जाकर अंदर रह सके। ओके, देन नेक्स्ट डे राइट द नेम्स ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। राइट द नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। यंग वंस राइट करने हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स के। ओके, किटन, पपी, काल्फ, फॉल, लैम, किड, पिगलेट, कॉब, चिक, डकलिंग। ओके, तो या तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता है। अ बेबी डक इज कॉल्ड, जो बेबी डक होता है उसे क्या बोला जाता है, डकलिंग। अ बेबी हैन इज कॉल्ड अ चिक। अ बेबी सीप इज कॉल्ड अ लैम, जो बेबी सीप होता है मीन्स सीप का जो बेबी होता है स्मॉल उसे बोला जाता है लैम। अ बेबी डॉग इज कॉल्ड अ पपी। अ बेबी काउ इज कॉल्ड अ काल्फ। अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ किड। अ बेबी पिग इज कॉल्ड अ पिगलेट। अ बेबी हॉर्स इज कॉल्ड अ फॉल। एंड अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड अ कब। अ बेबी कैट इज कॉल्ड अ किटन। ओके, तो ये जो एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम दिए हैं एंड उनके यंग वंस। ओके, तो ये आपको केयरफुली रिमेम्बर रखना है। ओके, है पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन मीन्स इसमें आपको पिक्चर को देख के उसमें क्या राइट करना है, कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना है। ओके, जो हमने डिग्री, जो हमारी ग्रामर की क्लास थी उसमें हमने डिग्री पढ़ा था, राइट? तो उसी के बेस्ड पर हमें क्या करना है, पिक्चर्स को देखकर करेक्ट वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, एग्जाम्पल है बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, ये डिग्री है बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे बड़ा, मीन्स किसी भी टू थिंग्स में कंपेयर होगा, किसी भी दो चीज़ों में हम कंपेयर करेंगे तो उसमें राइट करेंगे हम बिगर। ओके, एंड लास्ट है बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लाइक दिस। सी द पिक्चर केयरफुली स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को केयरफुली देखिए, इसमें दिया है बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिग ये बड़ा है, देन बिगर ये इससे बड़ा है, देन बिगेस्ट मीन्स ये सबसे बड़ा है। ओके, तो ऐसे ही हमें पिक्चर्स को देख के करेक्ट वर्ड राइट करना है, लाइक दिस, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ओके, तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को केयरफुली देखना है, देन आफ्टर इनमें से करेक्ट डिग्री फिल करनी, करेक्ट वर्ड फिल करना है। ओके, लाइक दिस का क्या आएगा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉल मीन्स छोटा, देन स्मॉलर इससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा। ओके, ऐसे ही राइट करेंगे, या फैट, फैटर, फैटेस्ट। फैट मीन्स मोटा, फैटर मीन्स उससे मोटा, एंड फैटेस्ट मीन्स सबसे मोटा। ओके,
सी द पिक्चर केयरफुली, इस पिक्चर को हमें केयरफुली वॉच करना है. देन आफ्टर इसमें बताना है हमें कि फैट, देन आफ्टर फैटर एंड फैटेस्ट. ओके, तो यहाँ पर जो है ये फैट होगा मीन्स ये मोटा है, देन आफ्टर फैटर मीन्स ये इससे मोटा है, देन फैटेस्ट मीन्स ये जो मैन है ये सबसे बड़ा है. ओके, द नेक्स्ट इज थीन, थीन थीनर थीनेस्ट. ओके, थीन मीन्स पतला, थीनर मीन्स उससे पतला, एंड थीनेस्ट मीन्स सबसे पतला. ओके, एट फर्स्ट तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है थीन मीन्स पतला, देन थीनर मीन्स उससे पतला मीन्स और ज़्यादा पतला, एंड थीनेस्ट मीन्स सबसे पतला जो सबसे दुबला होगा. तो ये है थीन, थीनर एंड थीनेस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज टॉल, टॉलर टॉलेस्ट. टॉल टॉलर टॉलेस्ट, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल. टॉल मीन्स ऊंचा, टॉल मीन्स ऊंचा, टॉलर मीन्स उससे नीचा, एंड टॉलेस्ट मीन्स उससे ऊंचा, एंड टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा. ओके, टॉल टॉलर टॉलेस्ट. एट फर्स्ट तो हमें हम टॉलेस्ट मीन्स फाइंड आउट कर लेंगे. टॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे ऊंचा. तो ये जो थ्री पिक्चर्स आप देख रहे हैं इनमें आपको फाइंड आउट करनी है टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा वाला ट्री. तो ये होगा टॉलेस्ट, देन टॉलर मीन्स अब इससे नीचा, टॉलर एंड टॉल मीन्स ऊंचा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट. ओके, द नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्गर लॉन्गेस्ट. लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट. लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गर मीन्स उससे लंबा, एंड लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा. ओके, तो आप जब इन थ्री पिक्चर्स को केयरफुली देखेंगे तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट रोप कौन सी दिख रही है मीन्स सबसे ऊंची रोप कौन सी दिख रही है. दिस राइट, दिस रोप, ये रोप कैसी है. लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी है. देन ये लॉन्ग है मीन्स लंबी है. देन होगा लॉन्गर मीन्स ये रोप इस रोप से लंबी है, लॉन्ग है राइट. तो ये हो जाएगी लॉन्गर. एंड देन लास्ट लॉन्गेस्ट मीन्स ये रोप कैसी है. लॉन्गेस्ट है मीन्स सबसे लंबी है. ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट. स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट. स्ट्रोंग मीन्स मजबूत राइट. जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है ना, जैसे आपको एवरीडे आपके मॉम डैड आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको क्या रहने के लिए बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलते हैं राइट. इसके लिए आपको एवरीडे मिल्क पिलाते हैं, है ना. तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रोंगर मीन्स उससे स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रोंग स्ट्रोंगेस्ट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग, है ना. ये जो थ्री पिक्चर्स है इनमें स्ट्रोंगेस्ट मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो ये है स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट. देन लाइट, लाइटर लाइटेस्ट. लाइट मीन्स हल्का, एल आई जी एच टी लाइट. लाइट मीन्स हल्का. एक क्या होता हैवी, जस्ट अपोजिट, हैवी का अपोजिट लाइट, है ना. हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का. तो सी द पिक्चर केयरफुली. इन थ्री पिक्चर्स को आप जब केयरफुली देखेंगे तो आपको इसमें से लाइट मीन्स हल्का कौन सा लग रहा है. दिस, ये लाइट है. देन लाइटर, ये इससे हल्का है, लाइट वेट है इसका. एंड लाइटेस्ट, इन सब में सबसे जो लाइटेस्ट है सबसे कम वेट किसका होगा, इस विंग का. जैसे आपने
विंग देखा होगा, पंख देखा होगा, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है, तो कभी जो है हमें कहीं पर ऐसे जो विंग होते हैं वो गिरे मिलते हैं। तो जब हम उन्हें ऐसे हैंड में पकड़ते हैं तो उनका वेट कैसा होता है, लाइट वेट। तो अभी यहाँ पर इन थ्री पिक्चर्स का ही हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इन थ्री को ही लेकर चलेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ओके, हैवी, हैवी मीन्स भारी, हैवी मीन्स भारी। जैसे आप, आपको ये तो अंडरस्टूड होता है ना, लाइट और हैवी मीन्स लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी। जैसे हम कोई थिंग्स को ऐसे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें कैसी लगती है, लाइट वेट होता है उनका, मीन्स हल्की होती है, और कुछ कैसी होती हैवी होती है, मीन्स भारी होती है ना। तो इन थ्री पिक्चर्स में हमें कंपैरिजन करना हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। हैवी मीन्स भारी, हैवियर मीन्स उससे भारी, एंड हैवीएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा भारी। तो अब इन थ्री थिंग्स में से आप बताइए, सबसे ज़्यादा जो वेट है वो किसका होगा, बैग का। देन आफ्टर इससे कम होगा बॉटल का, एंड सबसे कम होगा कंपोज बॉक्स का। ओके, तो ये हो जाएगा इसमें हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ओके, अगर आपको, आप हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट से नहीं कर सकते हैं, तो आप पिक्चर्स को देख के सबसे पहले तो क्या करिए, उसमें सबसे जो हैवी है, सबसे भारी जो है, उसमें हैवीएस्ट राइट कर देना है आपको। देन आफ्टर उससे जो हल्का होगा उसमें आ जाएगा हैवियर, और जो सब उससे जो भारी होगा, कम भारी होगा, उसमें आ जाएगा हैवियर, और जो उससे भी कम वेट वाला है उसमें आ जाएगा हैवी। ओके, द नेक्स्ट स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। ओके, स्लो मीन्स यू नो स्लो एंड फास्ट अपोजिट वर्ड्स होते हैं, फास्ट, फास्ट का अपोजिट स्लो, फास्ट का अपोजिट क्या होगा, स्लो। तो स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। स्लो मीन्स धीमा, स्लोअर मीन्स उससे धीमा, एंड स्लोएस्ट मीन्स सबसे धीमा। तो यहाँ थ्री जो व्हीकल से उनकी पिक्चर्स दी है, स्कूटर, बुलकार्ट एंड बाइसिकल। ओके, तो इसमें से आप बताइए, ये जो थ्री व्हीकल्स है इसमें से स्लो कौन सा व्हीकल्स चलता है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोवेस्ट में सबसे धीमे चलने वाला। तो इन तीनों में से जो है, इन थ्री पिक्चर्स में से, इन थ्री व्हीकल्स में से स्लोवेस्ट में सबसे धीमा चलने वाला व्हीकल कौन सा होगा, बुलकार्ट। ओके, देन इससे थोड़ा फास्ट मीन स्लोवर कौन सा व्हीकल चलता है, तो बाइसिकल। एंड स्लो में आ जाएगा स्कूटर, मीन्स स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। ये स्लो है, धीमा है, बट इससे भी धीमा क्या है, बाइसिकल, इससे भी स्लो चलती है, तो इसमें आ जाएगा स्लोअर। एंड बाइसिकल से भी स्लो क्या चलता है, बुलकार्ट, तो इसमें आ जाएगा स्लोवेस्ट, मीन्स ये सबसे धीमी स्पीड में सबसे स्लो चलती है। ओके, द नेक्स्ट 10th नंबर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। ओके, यहाँ भी थ्री व्हीकल्स के पिक्चर दिए हैं, बाइसिकल, एरोप्लेन एंड कार, राइट। तो इसमें से अभी फास्ट, देन फास्टर एंड फास्टेस्ट, तो हम एट फर्स्ट राइड कर लेंगे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला व्हीकल, जो इसमें कौन सा आ जाएगा फास्टेस्ट में, एरोप्लेन। ओके, एरोप्लेन की स्पीड कैसी होती है, वेरी फास्ट, मीन्स हमें कभी भी अगर ट्रैवल करना होता है तो हम बहुत ही कम समय में एरोप्लेन की हेल्प से अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच सकता है, राइट। बट वहीं अगर हम कार या फिर बस से जाना चाहे तो हमें उसके लिए क्या लगेगा, ज़्यादा समय की नीड होगी।
में समय ज़्यादा समय लगेगा। बट अगर हम बाय एरोप्लेन जाते हैं, एरोप्लेन के थ्रू जाते हैं, तो हम क्या होगा, फास्टली अपने उस डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो इसमें फास्टेस्ट होगा एरोप्लेन, देन फास्टर। अब इन थ्री पिक्चर्स में से एरोप्लेन से जो है थोड़ी कम स्पीड किसकी होगी, कार की, एंड फास्ट तो इसमें आ जाएगा बाइसिकल। ओके, बाइसिकल फास्ट, बाइसिकल में होगा आएगा फास्ट, देन बाइसिकल से थोड़ा फास्ट क्या चलती है, कार, तो ये हो जाएगी फास्टर। एंड कार से भी फास्ट इन थ्री पिक्चर्स में से कौन है, तो वो होगा एरोप्लेन, तो इसमें आ जाएगा फास्टेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कंपैरिजन वर्ड। ओके, इसमें करना था हमें लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना, दोनों में तुलना करना कि कौन सा जो है कंपेयर करना होता है ना, जैसे हम इजीली ऐसे नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी जैसे टू थ्री थिंग्स रख देते हैं, इसमें से जैसे हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम पूछते हैं इनमें से बिग कौन सा है, फिर उससे बिग कौन सा है, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा होता है ना, स्मॉल स्मॉल, इस टाइप से जैसे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों में, तो वही ये है, हमें क्या करना था इसमें, कंपेयर करना था, मीन्स तुलना करना था दोनों में कि कौन सा जो है, जो वर्ड्स दिए हैं उनके बेसिस पर, लाइक दिस बिग स्मॉल हैवी लाइट, है ना। ओके, डू यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक्स एज शो इन द एग्जाम्पल्स, फील इन द ब्लैंक्स एज शो इन द एग्जाम्पल्स। ओके, लाइक दिस, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इन्हीं के बेसिस पर फिर जो है हमें ऐसे टाइप से अदर जो ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें फिलअप करना है। ओके, यहाँ वर्ड दिया है क्लीन, CLEA, क्लीन। ओके, क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा। ओके, माई रूम इज क्लीन, मेरा रूम कैसा है, क्लीन है। देन सेकेंड सेंटेंस इज योर रूम इज क्लीनर देन माई रूम, मीन्स इसमें क्या कर रहा है, टू थिंग्स में कंपेरिजन कर रहा है, टू थिंग्स में कंपेयर कर रहा है। योर रूम इज क्लीनर देन माई रूम, मीन्स तुम्हारा रूम मेरे रूम से क्लीन है, मीन्स दो चीज़ों में कंपेयर किया। फर्स्ट में बोल रहा है कि माई रूम इज क्लीन, मेरा रूम कैसा है, क्लीन है। बट वही उसका जो सेकेंड क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके, योर रूम इज क्लीनर देन माई रूम, मीन्स जो आपका रूम है वो मेरे रूम से ज़्यादा क्लीन है, मीन्स ज़्यादा साफ है। मेरा रूम तो क्लीन है बट आपका रूम मेरे भी रूम से ज़्यादा क्लीन है, मीन्स ज़्यादा साफ है। देन है टीनाज रूम इज द क्लीनेस्ट, टीनाज रूम इज द क्लीनेस्ट। बट जो टीना का रूम है वो क्या है, क्लीनेस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा क्लीन है। मीन्स यहाँ पर जो थ्री गर्ल्स है या तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो क्लीन है वो किसका रूम है, टीना का रूम है। ओके, तो ये भी क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स इसमें क्या कर रहा है, कंपेयर करके हमें सेंटेंसेस को फिल करना है। माई रूम इज क्लीन, योर रूम इज क्लीनर देन माई रूम, एंड टीनाज रूम इज द क्लीनेस्ट। ओके, ऐसे ही हमें इसी बेसिस पर जो है और अदर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, लाइक दिस। फर्स्ट इज शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है, शॉर्ट मीन्स छोटा। ओके, माई पेंसिल इज शॉर्ट, माई पेंसिल इज शॉर्ट, मेरी पेंसिल शॉर्ट है। देन योर पेंसिल इज ब्लैंक माई पेंसिल, तो इसमें क्या राइट करना है, योर पेंसिल इज शॉर्टर देन माई पेंसिल, मीन्स आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से शॉर्ट है, मीन्स छोटी है।
ओके एंड द लास्ट सेंटेंस इज केतन्स पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट. केतन्स पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट मीन्स जो केतन है, किसी बॉय का नेम है, केतन्स पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट मीन्स जो केतन की पेंसिल है वो कैसी है, शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट मीन्स क्या होगा, सबसे छोटी. ओके मीन्स मेरी पेंसिल तो छोटी है बट योर पेंसिल इज शॉर्टर देन माई पेंसिल. आपकी पेंसिल जो है मेरी भी पेंसिल से छोटी है. एंड केतन्स पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट और जो केतन की पेंसिल है वो सबसे छोटी मीन्स बहुत ही छोटी है. ओके तो ये जो ब्लैंक्स हम फिल करेंगे तो उसमें आपको रिमेम्बर रखना है कि फर्स्ट में जो सेंटेंस है उस वर्ड है वो सेम रहेगा, डिग्री का जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेम रहेगा. बट जैसे ही हम टू पर्सन में या टू थिंग्स में कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या लग जाएगा, शॉर्टर देन. ओके देन लगाना नेसेसरी होता है इसमें. एंड जो लास्ट में हम जो शॉर्टेस्ट क्लीनेस्ट जो हम राइट करते हैं उससे बिफोर हमें द लगाना होता है. ओके लाइक दिस, यहाँ पर देखिए हमने शॉर्टेस्ट राइट किया है तो उसके फ्रंट में हमने क्या राइट किया है, द आर्टिकल. एंड यहाँ पर भी जो हमने क्लीनेस्ट राइट किया है तो इसके फ्रंट में हमने राइट किया है द आर्टिकल. मीन्स ये क्या है, क्लीनेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा क्लीन, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा. तो इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है उसके फ्रंट में. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क. टुडे इज योर होमवर्क इज फ्रॉम पेज नंबर 66, फ्रॉम पेज नंबर 66 टू 68. पेज नंबर 66 से लेकर पेज नंबर 68 तक आज क्लास में आपको जितना भी वर्क कराया गया है ये ऑल क्या करना है, आपको अपनी बुक में फिलअप करना है. ओके एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स. ओके गुड बाय, थैंक यू.